दोस्तों हाइट को लेकर के ज्यादातर लोग सवाल मेरे से अभी भी कर रहे हैं कि, तो मैं आज की इस वीडियो में उन लोगों के लिए उन लोगों के सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। तो वही लोग पूरा देखे जिनके जिनको हाइट का इश्यू आता है, जिनकी हाइट कम है या ज्यादातर जो है लेडीज की हाइट कम होती है तो उन्हें गाड़ी चलाने में जो है ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि कौन सी गाड़ी लें हम, कौन सी गाड़ी ना लें कि हमारी हाइट जो है फिट बैठे उस गाड़ी में और हमें क्लियर व्यू मिलता रहे या हम गाड़ी को आसानी से चला सकें। तो सबसे पहली चीज जो है ध्यान रखने वाली वो ये होती है कि जब भी आप गाड़ी को चलाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो पैर, जो भी गाड़ी लें या जिस गाड़ी को आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी पुरानी वाली जो वीडियो है, दो वीडियो हैं, आप दोनों को देख सकते हैं, चाहे एक को देख लें, उससे ही पता लग जाए कि आपको सीट का एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। आपकी सीट जो है अपन लो हो सकती है तो ठीक है, और नहीं हो सकती तो आप कुशन रख सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी अब मैं चलाने के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो आप लोग अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों की हाइट छह फिट होती है या कुछ ज्यादा होती है, तो उन लोगों को तो इस तरीके से उसको बोनेट दिखाई देता है। तो वो तो बोनेट का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, बोनेट का आखिरी हिस्सा जो है लेफ्ट का, तो उससे भी अंदाजा हो जाता है उन्हें, उनका लेफ्ट का बोनेट निकल रहा है नहीं निकल रहा, उनको तो आसानी से क्लियर अंदाजा रहता है। तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब दिक्कत आती है उन लोगों को थोड़ा जिनकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 6 इंच है, उनको क्या है, उनको उनको बोनेट का क्लियर हिस्सा दिखाई नहीं देता गाड़ी का आगे, खासकर जब सेडान गाड़ी चला रहे होते तब, एसयूवी गाड़ी में ज्यादातर दिखाई देता है। तो उसका उन्हें रेफरेंस पॉइंट बीच में से बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ, जो कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है लेफ्ट राइट वीडियो जजमेंट का, उसका लिंक भी आई बटन में मैं दे दूंगा। और अब बात आती है तो जिनकी हाइट जो है काफी ज्यादा कम है, मान लो 5 फीट है या 5 फीट से भी 1-2 इंच कम होती है, तो उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट बिठाना है, तो उनके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ ये वाली, कि उन लोगों को लेफ्ट साइड का किस तरीके से अंदाजा बिठाना है और किस तरीके से गाड़ी चलानी है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, अभी मैंने ये कैमरा थोड़ा नीचा किया हुआ है, जैसे कि अभी मेरी हाइट 5 फुट 10 या 11 इंच है करीब, तो मुझे तो आसानी से दिखाई देता है सामने का बोनेट वगैरह। अभी जिन लोगों को बोनेट हल्का दिखाई देगा उनके लिए ये वीडियो, तो आप लोग ये स्टेयरिंग देख पा रहे होंगे ये वाला पूरा, तो ये वाला जो स्टेयरिंग का हिस्सा है इस समय पे, ये स्टेयरिंग का हिस्सा ये वाला, और वो सामने जो मुझे दिख रहा है क्लियर जो बोनेट का जो लेफ्ट वाला कोना है, और ये हिस्सा लगभग सेम जगह पे है सामने से। तो अभी आप लोग क्या करिए, जब आप लोगों की हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, या फिर जब जो लेडीज गाड़ी चलाती हैं उनकी हाइट, लेडीज की हाइट ज्यादातर 5 फीट के आसपास ही होती है, नॉर्मल लेडीज की हाइट जो है, तो उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब गाड़ी चलाएं तो अपने हैंडल का जजमेंट रखें, अपने स्टीयरिंग का, वो ये देखें कि हमारा स्टीयरिंग इस तरफ से निकल रहा है पूरा क्लियर, और इस तरफ से दोनों तरफ से अंदाजा हो जाता है कि हमारा स्टीयरिंग इतनी जगह में ये दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है मुझे स्टीयरिंग, देखिए कहाँ तक का क्लियर आ रहा है जी व्यू, और इस तरीके का देखिए हमारा जो ए पिलर है ये आधा जो है दबा हुआ है इससे, तो अगर हमारा इतना स्टीयरिंग जो है हमें दिख रहा है कि क्लियर निकल रहा है हमारे रास्ते में, जो हमारा जितना व्यू है हमारे पास उसमें, अगर इतना हमारा स्टीयरिंग क्लियर ही निकल रहा है तो हमारी गाड़ी आसानी से बीच से निकल जाएगी। ये कम हाइट वालों के लिए रामबाण है ये, मतलब उन लोगों के लिए इससे ज्यादा अच्छा व्यू उन लोगों को अंदाजा किसी चीज से नहीं होगा कि गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी कम जगह में से। तो सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप स्टीयरिंग का अंदाजा लें, जिनकी हाइट ज्यादा है वो तो उनको तो अंदाजा अच्छा खासा रहता है। अभी देखिए आधा रोड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये वाला, और ये देखिए स्टीयरिंग यहाँ से निकलेगी, देखो ये गाड़ी निकल रही है बराबर से, तो इतना स्टीयरिंग और इधर इतना स्टीयरिंग, आप लोगों को ये स्टीयरिंग का अंदाजा रखना है कि इतना स्टीयरिंग अगर आप लोगों को दिख रहा है कि निकल जाएगा तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी बहुत बहुत आसानी से, आप लोगों को कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और दोस्तों दिक्कत तब होती है जब गाड़ी आप नई नई चलाना सीख रहे हो, जब आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, आपको अच्छी खासी गाड़ी चला लेंगे, जब ट्रैफिक में भी चलानी आ जाएगी, तो आप लोगों को ये अंदाजे लेने की जरूरत कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। तब आप लोगों के माइंड में इतना सेट रहता है कि हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी कितनी बड़ी है, तो आसानी से आप लोग उस समय पर गाड़ी चला पाएंगे। तो हाइट का जो है इश्यू मेरे ख्याल से अब जो कम हाइट वाले उनको लेफ्ट साइड या राइट साइड जजमेंट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो फ्रंट का जजमेंट भी है वो भी इसी तरीके से लेना है आपको, कि आपकी जो स्टीयरिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके आप सामने देखिए, आपको अगर नंबर प्लेट गाड़ी की सामने वाली की दिखती रहनी चाहिए, अगर आपको सामने वाली, क्योंकि जो ज्यादा हाइट वाले लोग होते हैं उनको तो टायर दिखेंगे तो भी उनकी गाड़ी काफी दूर रह जाएगी, लेकिन आप लोगों को क्या है अगर आप टायर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दूर से ही टायर दिखने बंद हो जाएंगे सामने वाली गाड़ी के, अगर आपकी हाइट कम है तो क्या करें, आप उस गाड़ी के नंबर प्लेट देखने की कोशिश करिए, अगर आपको उस गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाई देगी तो आपकी गाड़ी एक नॉर्मल एक सही हाइट मतलब सही पोजीशन पे रहेगी,
और चाहे तो आप एक बार गाड़ी के बाहर निकल के भी देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है जब आप चलाने से पहले। ज्यादातर गाड़ियों की लंबाई ज्यादा होती नहीं है, सेडान गाड़ियों की लंबाई ज्यादा होती है आगे से, एसयूवी गाड़ी हैचबैक की ज्यादा नहीं होती किसी भी हैचबैक की ज्यादातर, तो उस तरीके से भी अंदाजा ले सकते हैं। तो आप नंबर प्लेट का ध्यान रखें, उसकी नंबर प्लेट अगर आपको दिखाई देती रहेगी तो आपको जो है फ्रंट का जजमेंट आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों अगले पार्ट में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा रिवर्स जजमेंट की, और एक छोटी सी गली में रिवर्स जजमेंट दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बाकी चीजें। धन्यवाद दोस्तों।